गरीबी से मुक्ति मिले, गरीब से गरीब परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है। आज जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो गरीब कल्याण के लिए सरकार का बजट भी बढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र में 1,10,00,000 आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। ऐसे सभी कार्ड धारकों को 5,00,000 रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज देने के देश ने 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना पर भी देश 4,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। गरीबों के घर बनाने के लिए भी सरकार ने 4,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये भी 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है। हर घर जल पहुंचाने के लिए भी अब तक करीब 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले साथियों को हजारों रुपए की मदद मिल रही है। अभी सरकार ने एक और नई योजना शुरू की है, पीएम विश्वकर्मा। इससे सुथार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार ऐसे लाखों परिवारों को पहली बार सरकार से मदद सुनिश्चित हुई है। इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं।